नमस्कार, मैं कृति गिरी और आप देख रहे हैं AHA न्यूज। पद्मश्री सम्मान पाए शरीफ चाचा को मिला नया आशियाना। अयोध्या नगरी का अयोध्या पद्मश्री शरीफ चाचा का नया आशियाना अब शहर का राठ हवेली होगा। लावारिश लाशों के अंतिम संस्कार को लेकर चर्चित और पद्मश्री घोषित शरीफ चाचा महजानी टोला की ताड़ के तकिया में रह रहे हैं। जिला नगरीय विकास अभिकरण की ओर से संचालित आसरा आवास योजना के तहत शहर के राठ हवेली मोहल्ले में सरकारी योजना के तहत बनवाए गए मकान में से एक मकान शरीफ चाचा को आवंटित हुआ है। गुरुवार को जिलाधिकारी कार्यालय पर आयोजित लॉटरी के बाद शरीफ चाचा समेत अन्य 84 लाभार्थियों को आवास आवंटन का पत्र सौंपा गया। जिला नगरीय विकास अभिकरण की ओर से शहरी क्षेत्र के गरीब बेसहारा लोगों को आवास मुहैया करवाने के लिए आसरा योजना के तहत शहर की राठ हवेली मोहल्ले में 84 कमरों का एक भवन बनवाया गया। जिला नगरीय विकास अभिकरण ने इन कमरों के आवंटन के लिए लोगों से आवेदन आमंत्रित किया था। विभाग के कुल 514 आवेदन पत्र हासिल हुए। आसरा योजना के तहत मानकों की कसौटी पर इनका परीक्षण कराया गया तो प्राप्त आवेदनों में से केवल 124 आवेदक ही योजना के लिए पात्र मिले। चूंकि विभाग की ओर से बनवाए गए मकानों की तादाद 84 ही थी, इसके चलते आवास आवंटन को लेकर जिला अधिकारी कार्यालय पर लॉटरी का आयोजन किया गया। पद्मश्री पुरस्कार हासिल शरीफ चाचा समेत 84 लोगों को सांसद लल्लू सिंह के साथ जिला अधिकारी व जिला नगरीय विकास अभिकरण अध्यक्ष अनुज कुमार झा, अयोध्या नगर निगम के आयुक्त नीरज शुक्ला ने आवास आवंटन प्रमाण पत्र सौंपा। नया आसरा प्राप्त होने पर पद्मश्री मोहम्मद शरीफ चाचा ने कहा कि 27 वर्ष की तपस्या के बाद उन्हें मुकाम हासिल हुआ है। प्रधानमंत्री का आभार जताते हुए कहा, पद्मश्री के बाद अब जिला प्रशासन ने आवास भी उपलब्ध कराया है। दरअसल पिछले 27 वर्षों से पद्मश्री समाज सेवी शरीफ चाचा लावारिश लाशों का अंतिम संस्कार करते आ रहे हैं। बताते हैं कि लगभग 4500 लाशों का अब तक हुए अंतिम संस्कार कर चुके हैं वो, जिनमें हिंदू व मुस्लिम दोनों का शव मिले हैं। अयोध्या से नौशद आलम की रिपोर्ट। इसमें जो इनको पद्मश्री पिछले दिनों घोषित किया गया था वो भी आवासहीन है, तो उन्होंने भी इसमें आवास के लिए आवेदन किया था। उनका भी लॉटरी के माध्यम से सिलेक्शन करके और आज की तिथि में उनको ये आवास का आवंटन पत्र उनको सौंपा गया। उनको शुभकामनाएं दी गई कि वो जल्दी से जल्दी अपने नए आवास में पहुंच जाएं। मैंने पता किया तो आवास में वहां तक जो है बिजली की लाइन पहुँच चुकी है, वहाँ पर पानी पहले अवेलेबल है, सीवर अवेलेबल है, तो बहुत जल्दी अगर वो चाहें तो बस बिजली का कनेक्शन ले करके और उसमें अंदर आवासित हो सकते हैं। उनको शुभकामनाएँ दी गई कि वो अपने नए आवास में जल्दी से आवासित हो। हमारी 27 साल के मेहनत की कमाई है और हमने ये नहीं सोचा था कि ये वार्ड मिलेगा, मगर किसी बुजुर्ग को अच्छा दफन किया है या अच्छा जलाया है। और 27 बरस में मैंने 3000 हिंदू भाइयों को जलाया है और 2500 मुसलमानों को दफन किया, और किसी को नहीं सोचा कि कौन। और 3 बोतल फोन मैंने हिंदुओं को दिया है। मुझे हिंदू मुसलमान से नहीं मतलब, सब हैं इंसान। हम इंसानियत के तौर पर जब तक साथ जब तक अभी भी करते रहेंगे, काम को नहीं छोड़ेंगे। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने सही आदमी को दिया, समझ बूझ के दिया कि ऐसे आदमी को देना चाहिए जिसका हौसला बढ़े। प्रधानमंत्री पर तो बहुत कुछ है।